एमवीए के मुख्यमंत्री थे लेकिन बिना सलाह मशविरा के उद्धव ने दिया इस्तीफा। शरद पवार के बयान पर फिर मचा हड़कंप। राजनीति के चाणक्य शरद पवार ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी और उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। पवार ने कहा, उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के भी नेता थे लेकिन सीएम पद से इस्तीफा देते समय उन्होंने किसी से भी कोई राय मशवरा नहीं लिया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने खुलासा किया, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो सहयोगी दोनों दलों एनसीपी और कांग्रेस से कोई सलाह मशवरा नहीं किया था। उन्होंने आगे कहा कि उद्धव केवल अपनी पार्टी की वजह से मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उनके मुख्यमंत्री बनने में कांग्रेस और एनसीपी के विधायकों का योगदान था लेकिन उन्होंने किसी से सलाह मशवरा नहीं किया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एनसीपी प्रमुख के इस बयान के बाद राज्य की सियासत में फिर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। महाविकास अघाड़ी को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इस बात की भी चर्चा है कि एनसीपी कहीं एमवीए से किनारा करने के मूड में तो नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में पवार एनसीपी को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि उद्धव गुट फिलहाल कमजोर हालत में है। बहरहाल मंगलवार की देर शाम उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर सिल्वर ओक पहुंचे। पिछले दिनों में महाविकास अघाड़ी के बीच बन रही दरारों को पाटने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। एक मराठी न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के बारे में पवार ने कहा कि हमारे और उनके बीच दोस्ताना रिश्ते थे। उद्धव अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने पुणे में पत्रकारों से दावा किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। कार सेवा में किसी ने भी अपनी पार्टियों के सदस्य के रूप में भाग नहीं लिया था बल्कि वे सिर्फ हिंदू के रूप में शामिल हुए थे। इस पर उद्धव ने पाटिल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तब ये चूहे अपने बिलों में छिपे थे। इसके बाद तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने उद्धव से पूछा, जब बाबरी गिराई जा रही थी तब वे और जो बोल रहे हैं कहां थे? संजय नेता चंद्रकांत पाटिल ने पुणे में पत्रकारों से दावा किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के समय शिवसेना का एक भी कार्यकर्ता वहां मौजूद नहीं था। कार सेवा में किसी ने भी अपनी पार्टियों के सदस्य के रूप में भाग नहीं लिया बल्कि वे सिर्फ हिंदू के रूप में शामिल हुए थे। इस पर उद्धव ने पाटिल पर तीखा हमला करते हुए कहा कि तब ये चूहे अपने बिलों में थे। इसके बाद तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मैदान में कूद पड़े और उन्होंने उद्धव से पूछा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब उद्धव ठाकरे और जो बोल रहे हैं यानी कि संजय राउत कहां थे?